तो यार आते हैं अब अपने फर्स्ट राउंड पे। एंड इस बार यार मैंने दोनों ही उंगली का यूज किया है। एंड लास्ट का पॉइंट यार जरूर देखना यार, कुछ मैंने बातें बताई हैं आरुजी 3 के बारे में। सो देखते यार अब फर्स्ट राउंड पे कौन जीतता है। सो गाइज आ चुके हैं एक और नई कंपैरिजन वीडियो के साथ। सो गाइज आरुजी 3 को लिए मुझे 2 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। एंड सोचा यार फिर से क्यों ना टच रिस्पॉन्स टेस्ट बनाया जाए आईपैड मिनी 5 वर्सेस आरुजी 3 का। अब लास्ट वीडियो पे यार बहुत सारे बंदे मुझसे कह रहे थे कि आईपैड की पिंग ज्यादा है, इस वजह से यार ये वाली वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। 60 FPS वर्सेस 90 FPS करेंगे यार टच रिस्पॉन्स टेस्ट। एंड बताएंगे यार आगे की क्या क्या दिक्कत हो रही थी मुझे आरुजी 3 पे और कैसा डिवाइस है गेमिंग के लिए। सो गाइस देख सकते हो ये आईपैड मिनी 5 करीबन 1 साल होने वाला है, 2-3 मंथ बाद हो जाएगा इसको लिए। एंड ये अपना आरओजी 3 जो कि लास्ट दिसंबर पे लिया था लास्ट ईयर। अब दोनों ही डिवाइस के प्रोसेसर की बात करें तो आरओजी 3 पे हमें देखने मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 865 प्लस प्रोसेसर। एंड आईपैड मिनी 5 पे हमको 2018 का 812 बायोनिक देखने मिल जाता है। एंड दोनों ही डिवाइस की स्क्रीन की बात करें तो 144 Hz की स्क्रीन देखने मिल जाती है हमें आरओजी 3 पे, एंड 60 Hz की स्क्रीन हमें आईपैड मिनी 5 में देखने मिल जाती है। दोनों ही डिवाइस यार अपनी अपनी जगह बेस्ट है यार। टच रिस्पॉन्स बोले तो अब देख लेना यार, आगे बताऊंगा उसके बारे में। बट यार गेमिंग की अगर बात करें तो यार आईपैड मिनी 5 का कोई भी मुकाबला नहीं है यार। वो नेक्स्ट लेवल की विदाउट एनी लैग, एक भी फ्रेम ड्रॉप यार गेमिंग करवाता है अपना। सो यार अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आते अपनी वीडियो पे। सो सबसे पहले यार ये देख लो आप लोग, दोनों ही डिवाइस अपने पोको से कनेक्ट है। ये अपना आईपैड मिनी 5 भी पोको से कनेक्ट है एंड अपना आरओजी 3 भी देख सकते हो पोको से कनेक्ट है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं अब अपना कंपैरिजन। एंड सबसे पहले अपन लोग गेम ओपन करते हैं कि किस पे पहले ओपन होता है। अब लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो ऊपर कार्ड दूंगा यार, देख लेना आप लोग। उस पे यार आईपैड मिनी 5 पे पहले गेम ओपन हुआ था। एंड ये वाली वीडियो पे देखना यार क्या ही मतलब रिजल्ट से यार बिल्कुल चेंज से हो गए। पता नहीं कैसे यार अपडेट आए थे, शायद तक अपडेट में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है अपने आरओजी 3 पे। एंड ये देख सकते हो यार आईपैड को बीट कर दिया यार गेम ओपन करने में, जो कि कभी भी नहीं होता था यार। आईपैड वगैरह पे क्या ही जल्दी गेम खुलता था आईफोन आईपैड पे यार। सो देख सकते हो यहाँ पे बीट कर दिया यार इस पे। एंड अब ग्राफिक्स पे आ जाते हैं, ये देख सकते हो 90 FPS पे सेट है अपना। एंड और भी बात करें तो बैलेंस्ड पे 60 FPS मिल जाता है, सभी पे 60 FPS मिल जाता है, HDR और Ultra HD पे 40 FPS चलता है अपना अल्ट्रा पे। बाकी इसको भी कर लेते हैं 90 FPS पे सेट और आ जाते हैं अपने आईपैड मिनी 5 के ग्राफिक्स पे। सो आईपैड पे अपना स्मूथ एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, 90 FPS सपोर्ट नहीं करता क्योंकि 90 Hz की डिस्प्ले ही नहीं है। अब 90 Hz की डिस्प्ले सिर्फ अपने आईपैड प्रो पे है, आईफोन 12 और आईफोन 11 पे भी नहीं है, उन पे भी 60 FPS पे ही चलता है। अब ड्रीम है यार आईपैड प्रो पे खेलने का, लेंगे उसको भी जब कभी कंडीशन वगैरह सही रही। एंड ये देख लो यार और भी आगे के ग्राफिक्स, बैलेंस पे भी एक्सट्रीम चल जाता है एंड बाकी सभी पे अल्ट्रा ही चलता है, Ultra HD पे भी अल्ट्रा ही चलता है। अब इसको भी कर लेते हैं यार स्मूथ एक्सट्रीम पर सेट। एंड इसके यार वो भी कर लेते हैं यार FPS भी ओपन कर लेते हैं, ये सामने देख लेना यार, ये सभी ओपन कर लिया रियल टाइम इन्फो इसकी। सो अब यहाँ पर मैच स्टार्ट करके देखते हैं कि किस पे पहले ओपन होता है। बट यार उससे पहले यार अगर चैनल पर नए हो तो यार सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, और भी ऐसी वीडियोस लाएंगे एंड और भी अच्छे अच्छे रिव्यूज लाएंगे। सो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार चैनल को। अब देख सकते हो दोनों पे ही एक साथ चालू कर दिया एंड देखते हैं यार किस पे पहले ओपन होता है। सो गाइज यहाँ पे अपने आईपैड मिनी 5 पे पहले गेम ओपन हो चुका है एंड ये वाला राउंड अपना आईपैड मिनी 5 जीत चुका है। अब जल्दी से यार आते हैं टच रिस्पॉन्स के टेस्ट पे। सो गाइज यहाँ पर देख लो यार अब दोनों ही बंदे आमने सामने खड़े हैं एंड मैंने एक भी वीडियो स्किप नहीं करी। बहुत से यार झूठे इल्जाम लगते हैं मेरे ऊपर, अब मैं क्या ही बोलूँ यार, किस किस के जवाब दूँ। एंड पिंग विंग वगैरह यार सब कुछ चेक कर लेना, और दोनों ही हाथों से यार इस बार टच स्पॉन टेस्ट किया। अब यार ये भी इल्जाम लग रहे थे कि एक हाथ से कर रहा है, तेरा थंब पहले दब जाता है, तेरी फिंगर पहले दब जाती है। सो इस बार यार दोनों हाथों का यूज किया है मैंने।
ट्राईपॉड पर रख के पहले मैं यार हाथ से रिकॉर्ड किया करते था, क्योंकि जूम वूम करके दिखाना पड़ता था यार, पिंग विंग वगैरह। एंड देख लेना यार, ये सब भी यार अटैचमेंट वगैरह भी नहीं लगी, बैग खोल के भी दिखा दिया मैंने, और हेलमेट वेस्ट वगैरह भी देख लेना यार, दोनों ही डिवाइस का दिखा दिया है। अब यहाँ पे एम भी देख लो, एक ही जगह पे रखा है। एंड यहाँ पे आते हैं यार फर्स्ट राउंड पे, अब देखते हैं यार कौन जो यार जीतता है। सो गाइस देख सकते हो फर्स्ट राउंड पे जैसे कि पहले के रिजल्ट आए थे वही रिजल्ट्स आया है, अपना आरुजी 3 विन कर चुका है। एंड इसकी वेस्ट बोले तो यार कुछ 50% डैमेज हो चुकी है। एंड मैंने अब स्किप नहीं किया, डायरेक्ट पहुंचते हैं यार उसी साइड और आते हैं यार अब अपने सेकेंड राउंड पे। अब जल्दी से सेट कर लेते हैं यार इसको भी, पोजिशन वगैरह सारी। से सब कुछ सेट कर लिया। एंड यहाँ पे देख लो यार अपने RG3 पे वही वेस्ट है 50% डैमेज वाली, कुछ भी स्किप नहीं किया है। एंड अटैचमेंट वगैरह भी कोई भी नहीं लगी गन्स में। एंड पिंग भी अपना 80-90 आ रहा है RG3 पे। एंड यहाँ पे अब iPad mini 5 पे भी आप लोग देख लो, वही बिल्कुल नया बंदा आ चुका है जो कि फर्स्ट टाइम मर गया था। एंड पिंग भी यहाँ पे देख लो 80-90 ही आ रही है। एंड कोई भी अटैचमेंट नहीं लगी इसमें भी अपने गन्स में। सब इसको भी सेट कर लेते हैं यार एम को। एंड आते हैं अपने सेकेंड राउंड पर। यार सेकेंड राउंड पर भी देख सकते हो अपना RG3 वाला बंदा यार पेल चुका है अपने iPad mini 5 वाले बंदे को। एंड इस बार वेस्ट पूरी ही खत्म हो चुकी है, जो कि यार पिछले रिजल्ट्स थे वैसे ही बिल्कुल सेम आए हैं। अब लास्ट में बात करेंगे यार कि क्या क्या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करी मैंने RG3 पे 2 मंथ्स में, उसके लिए मैं पूरी वीडियो भी बना दूंगा, वो भी देख लेना। एंड अब थर्ड राउंड पे आते हैं, इसको भी जल्दी से सेट कर लेते हैं। बट यार गाइज लास्ट का पॉइंट जरूर देखते हुए जाना यार, जो मैं बताऊंगा RG3 के बारे में बिल्कुल यार सच्चाई बोलूंगा। मैंने भी लिया है पैसे लगाए यार RG3 पे, सो मैं झूठ बोल के मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। सो गाइज यार यहाँ पे आप देख लो यार एम वेम सेट हो चुका है। एंड बैक खोल के देख लो पूरा ही वेस्ट खत्म हो चुका है, दिख रहा होगा। एंड कोई भी अटैचमेंट वगैरह नहीं लगी। एंड पिंग भी अपना 80-90 ही आ रहा है। एंड iPad mini 5 पे भी अब देख लो दोनों, इस पे भी अपना 80-90 पिंग आ रहा है। एंड ये देख लो अपनी बिल्कुल नई की नई वेस्ट है, हेलमेट भी बिल्कुल नया। एंड कोई भी अटैचमेंट नहीं लगी इसमें भी गन में। सब आते हैं अपने यार थर्ड राउंड पर। अब देखते हैं थर्ड राउंड पे कौन पेलता है यार किसको। सो गाइज यार वेस्ट ना होने की वजह से यहाँ पे RG3 वाला बंदा मर चुका है। एंड आईपैड वाले बंदे की कुछ 20% वेस्ट डैमेज हो चुकी है। तो गाइज यार यहाँ पे क्लियर देखा जाए तो RG3 का टच रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर है यार iPad mini 5 से। बट यार अब कुछ यार बात कर ले अपने RG3 के बारे में कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है एंड कैसा डिवाइस है। 2 मंथ मुझे हो गए यूज़ करते हुए। एंड इसके बारे में मैं फुल वीडियो भी बना दूंगा यार 1-2-3 दिन में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। सो गाइस अब आते हैं अपने RG3 पे। सो अब RG3 की बात करें तो यार ये डिवाइस यार 47,000 लायक नहीं है, अगर आप लोगों को यूट्यूब के लिए चाहिए हो रोज गेम प्ले अपलोड करने के लिए। अब 3-4 टीम से यार आते ही यार ये लैग करने लगता है रिकॉर्डिंग पे। बट यार जो ये अपना आईपैड है A12 या फिर iPhone XR जो कि 35,000 का मिलता है, उस पर कभी आप लोग रिकॉर्डिंग करके देख लेना, वो बिल्कुल भी लैग नहीं करता। मैं खेल चुका हूँ यार दोनों ही डिवाइस पे। एंड गेम प्ले भी पड़े हैं आप लोग देख लेना, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा यार दोनों की सच्चाई। अब यार बिना रिकॉर्डिंग की खेल रहा हूँ तो डिवाइस बहुत बेस्ट है यार, अच्छा है। एंड टच रिस्पॉन्स अच्छा है मानता हूँ मैं, बट यार जब लैग होता है ना और रिकॉर्डिंग पे भाई मूड सा खराब हो जाता है यार।
एंड यार एक चीज और यार, इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी यार उतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाता फुल सेटिंग्स पे यार अपनी 1080 पे। उसके लिए आप लोगों को क्वालिटी थोड़ी सी कम करनी पड़ती, तब जाके कहीं पूरा गेम प्ले रिकॉर्ड होता है। एंड यार और भी बताऊंगा यार क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पूरी वीडियो में बना दूंगा। यार वीडियो लंबी हो रही है, सो जाते हैं यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, एंड जल्दी लाएंगे यार ROG 3 का रिव्यू। सो मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड यार और भी यार ऐसी कंपैरिजन की वीडियोस डली हैं, सो यार उन्हें भी चेक कर लेना यार चैनल पे जाके। एंड जल्दी ही जल्द से जल्द कोशिश करेंगे यार कि फुल रिव्यू लाएं अपने ROG 3 का।